إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد हर किस्म की तमाम तारीफ अजमत किबरियाई बड़ाई अल्लाह खालिक कायनात के लिए बेशुमार दुरूद व सलाम इमाम अंबिया रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर हम्द व सना और दुरूद व सलाम के बाद आज की मजलिस में हम इमामुल अंबिया रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उनके बेटे और सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे उनके हवाले से चंद बातें सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए हैं और मकसद सिर्फ अपने ईमान को ताज़ा करना है। नहीं तो ये हस्तियाँ उनकी अजमत उनकी बड़ाइयाँ अल्लाह जिनके खुद बयान करे तो हम क्या बयान कर सकते हैं। मकसद यही है कि हमारा ईमान ताज़ा हो और उनकी सीरत के चंद पहलू उनको सुन के हम अपनी ज़िंदगी में लेके आए। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु कि जो अखलाक का मामला हो, इल्म व दानिश हो, शुजात हो, फहम और समझदारी हो, बहादुरी, अज़म, इस्तिक्लाल जितनी भी सिफात हैं उन सब सिफात के हामिल थे, बल्कि कमाल तक पहुंची हुई थी और उनकी चंद आदात, चंद खसाइल, चंद फजाइल हम इंशाअल्लाह सुनना चाहेंगे। कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स, कि अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे ऐ घर वालों, अहले बैत, ऐ घर वालों, तुमसे रिज्स गंदगी को अल्लाह दूर कर दे, वह युतहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें पाक कर दे, खूब पाक करना। प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम और आपके अहले बैत, आपके सहाबा तो पहले ही पाकीज़ा हस्तियाँ हैं और जिनको अल्लाह ताला मज़ीद अजमत अदा कर दे तो उनका मुकाम और मर्तबा क्या होगा। सैयदना याला बिन मुर याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वह अना मिन हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। देखिए, मोहब्बत के इजहार का एक आला तरीका है कि आप अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है,
और फिर आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, कि अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करता है रज़ियल्लाहु अन्हु। और सुनन इब्ने माजा की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि हुसैन मेरे नवासों में से एक नवासा है। इस हदीस में आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, कितना मोहब्बत का इजहार है। और दूसरी बात जो आपने फरमाई कि जो शख्स हुसैन से मोहब्बत करे रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और फिर ये बात भी सबको मालूम है, और आप अलैहिस्सलाम ने इस हदीस में मज़ीद इरशाद फरमाया कि हुसैन मेरे नवासों में से नवासा है। और अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, सही बुखारी की रवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हसन और हुसैन के बारे में रज़ी अल्लाह अन्हुमा, फरमाया हुमा रैहानतैन, कि ये दोनों मिनत दुनिया, दुनिया में से ये दोनों मेरे फूल हैं। और एक रिवायत में खुशबू के लफ्ज़ हैं। इसी तरह जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन सर्रहु, जिस बंदे को ये बात खुश करे, अन यंज़ुरा इला रजुल मिन अहलिल जन्ना, कि जो अहले जन्नत में से किसी शख्स को देखे तो क्या करे, फल यंज़ुर इला इलल हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली को देखे। और फिर आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी यकीनन आपने सुना होगा, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन सईदा शबाब अहलिल जन्ना, ये दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। और बर्रा इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन को देखा और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फाहिब्बहुमा, अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। कितना मुकाम है, कितना मर्तबा है, कितनी अजीम शान है कि अल्लाह के नबी अपनी ज़ुबान नबूवत से ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। और फिर सईदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। वाहिब मैं युहिब्बुहुमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत कर। पहली रवायत में ये अल्फाज है ना कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। और इस हदीस के क्या अल्फाज हैं, इसमें इजाफा है कि जो हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मोहब्बत करते हैं अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत कर। और फिर सईदा मुरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया मन अहब्बल हसन वल हुसैन फ़कद अहब्बनी, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे फ़कद अहब्बनी, दर हकीकत उसी ने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबग़दहुमा फ़कद अबग़दनी, और जो उन दोनों से बुगज रखे तो उसने दर हकीकत मुझसे बुगज रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, सही हदीस है, आपको हसन हुसैन की हिफाजत की फ़िक्र होती तो क्या करते। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हुसैन को इन अल्फाज के साथ अल्लाह की पनाह में देते, जिसे हम तआवुज़ कहते हैं,
कहते ये दुआ पढ़ते उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि तामती, मैं तुम दोनों को अल्लाह के कामिल कलिमात से अल्लाह की पनाह में देता हूँ। मिन कुल्ली शैतानिन वहामा, हर शैतान से, हर मूजी चीज़ से, व मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर बुरी नज़र से तुम्हें मैं अल्लाह की हिफाजत में देता हूँ। और इसी हदीस से अखज़ करके ये दुआ बच्चों को इससे दम किया जाता है, बच्चों को उनकी हिफाजत के लिए, उनको नज़र से बचाने के लिए, शैतान या शैतान के वार या शैतान के वसवसों से बचाने के लिए ये दुआ बच्चों के ऊपर पढ़ी जाती है। और उईदु कुमा है यहाँ पे, तो कुमा दो के लिए होता है, अगर एक बच्चा है तो उईदु का उसके लिए पढ़ा जाता है, और अगर बच्ची है तो उईदु की। सैयदना हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम और मर्तबा कितना है, उनकी फजीलत किस कैसी है, कितनी अजीम ये हस्तियाँ थी कि प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि आप अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, इज़ जाअल हसन वल हुसैन, कि हसन हुसैन दोनों आए, अलैहिमा क़मीसानि अहमरानि यमशियानि व याथरानि, कि वो हसन हुसैन वो आए, दोनों ने सुरख कमीज़ें पहनी हुई थी, यमशियानि व याथरानि, वो चल भी रहे थे गिर भी जाते थे, चलते गिरते छोटे बच्चे थे सुखद। फ़नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम जो खुतबा इरशाद फरमा रहे थे मिंबर पे, आप मिंबर से उतरे, मिनल मिंबरी, मिंबर से उतरे, फहमलहुमा, उन दोनों को हसन हुसैन को उठाया, ववज़अहुमा बैन यदैही, और उनको अपने हाथों के अपने सामने रख लिया, उठाया और अपने सामने बिठा दिया, और ये आयत पढ़ी, फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि अल्लाह ताला का ये फरमान सच है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा माल आजमाइश है। और फरमाने लगे कि मैं इन बच्चों को देखा गिरते पड़ते आ रहे हैं, तो मुझसे सब्र ना हुआ यहाँ तक कि मैं अपनी बात रोक के इनको उठा लाया। हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सुनन निसाई की ये भी सही रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उनकी तरफ से अकीदा किया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अपने वाले से रवायत करते हैं बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से, कि आप अलैहिस्सलाम अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आक्का अनिल हसन वल हुसैन, के हसन हुसैन का खुद अकीका किया। अब सहाबा के हवाले से भी देखते हैं कि सहाबा भी सैयदना हसन हुसैन से मोहब्बत करते हैं और उनका फजल और उनकी अजमत और उनका मुकाम समझते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उठाया हुआ था और आप ये फरमा रहे थे, ए अल्लाह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। तो बयान करने वाला यकीनन जो बयान कर रहा है तो खुद भी मोहब्बत करता है। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं कि मैंने जब भी हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी नज़र में हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मुकाम और मर्तबा क्या था, कि सैयदना हुसैन के कदमों से कोई झाड़ पड़ी होती, मिट्टी पड़ी होती, उसको झाड़ दिया करते थे, गर्द को झाड़ दिया करते थे, और वो सिर्फ़ सैयदना हुसैन से जो मोहब्बत करते। वजह क्या थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत, ताल्लुक़, ये रिश्ता। और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसको इस बात पे खुशी हो कि वो जन्नती आदमी को देखे, तो वो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देख ले, कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को इन्हें जन्नती कहते सुना है। और बड़ा ही मशहूर ये वाक़या है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का, इराकी लोगों ने मक्खी के कत्ल के बारे में पूछा तो क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर डाला तुमने, उसकी तुम्हें परवाह नहीं और मक्खी के बारे में पूछ रहे हो। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपने नवासों के बारे में क्या फरमाया था, ये दोनों हसन हुसैन मेरी दुनिया के फूल हैं।
तो ये मकाम व मर्तबे के हवाले से चंद मैंने आपके सामने अहादीस और सहाबा के चंद अकवाल, नहीं तो जितने भी सहाबा हैं उनका देखें आप, अगर उनकी सीरत पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो सहाबा हमें हमेशा हसन हुसैन और अहले बैत का इकराम करते हुए नज़र आएंगे और उनसे मोहब्बत करते हुए नज़र आएंगे। कितनी ही बार ऐसा हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हसन इब्न अली को देखते हैं, एक बार तो यहाँ तक कहाँ साथ अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे, और हज़रत हसन को देखा, अपने गले से लगाया, प्यार किया और आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे, अली ये हसन तुम्हारा बेटा प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम से तुम्हारी बनिस्बत ज़्यादा मुशाबत रखता है। अब चंद बातें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत के हवाले से हमारे लिए जो तरबियत का पहलू है, और उनमें से एक बात यह है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी ज़िंदगी में कितने सारे फितने आए, कैसे मामलात हुए, और कैसे जो है हज़रत उमर की शहादत हुई, हज़रत हुसैन की शहादत हुई, खुद उनके वालिद हज़रत अली की शहादत हुई, और फिर उसके बाद के मामलात तारीख आपके सामने है। हमेशा हम सैयदना हुसैन रज़ी की जब सीरत पढ़ते हैं तो हमें ये बात मिलती है कि वो बुराई से रोकते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत की चलती फिरती अमली तस्वीर नज़र आते हैं, और वो आयत सूरह आले इमरान की है, बड़ी मशहूर आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मत तक मिनकुम उम्मतुन यदउना इलल खैर, तुम में से ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा ग्रोह होना चाहिए कि जो लोगों को खैर की तरफ बुलाए, या अमरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही कामयाबी हासिल करने वाले हैं, यही कामयाब हैं। और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इस आयत की अमली तस्वीर नज़र आते थे, जहाँ भी बुराई को देखा बुराई से रोका और जो है नेकी का हुक्म दिया। मुश्किल हालात में दीन हमें सिखाता है सब्र करना, नमाज अदा करना, और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जब हम सीरत पढ़ते हैं तो वो हमें मुश्किल हालात में नमाज और सब्र को थामे हुए मिलते हैं। मुश्किलात आज भी हमारे ऊपर आती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, वबेला मचाते हैं, शोर करते हैं, जो है वो किसी न किसी के ऊपर इतराज़ करते हैं, कभी ये कहते हैं अगर ऐसा कर लेते तो ये हो जाता, वैसा कर ले, हालांकि इससे तो मना किया गया ना। मुश्किल और परेशानी है, क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला ने हमें इस बारे में सिखाया ना सूरह बकरा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, ईमान वालो मुश्किल आए परेशानी आए अल्लाह से मदद तलब करो, कैसे, सब्र और नमाज के जरिए। और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब्र भी किया, मुश्किल आई नमाज भी अदा की, रकतें पढ़ी, अल्लाह से मांगी जो है मुश्किल में मदद मांगी। हमारा तर्ज अमल क्या है, चाहे वो कोई भी फिरका हो, कोई भी मसलक हो, सब का हाल यही है, नमाज फ़र्ज नहीं पढ़ते। महल्ले में कितने लोग हैं और मस्जिद में कितने लोग नज़र आते हैं, नमाज फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ते। मुश्किल में नफल नमाज पढ़ना तो दूर की बात, फ़र्ज नमाज छोड़ देते हैं, मस्जिदें खाली पड़ी होती हैं, बल्कि जो ज़्यादा जो है मोहब्बत का ऐलान करते हैं ना, उनकी मस्जिदें तो सारा साल ही खाली पड़ी रहती हैं, वो मुहर्रम में ही आके आबाद करते हैं। कैसी मोहब्बत हुई, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह से मोहब्बत है तो उनकी बात माननी चाहिए ना, वो तो फ़र्ज पढ़ते ही थे, नफल कितने पढ़ते थे, कैसी तहज्जुद और कैसा तिलावत उनका और कैसा अमल था उनका, उनकी सीरत अपनानी चाहिए ना। असल मोहब्बत तो ये है, ये मोहब्बत तो नहीं कि चंद दिन जो है वो मोहब्बत का इजहार कर दिया, पीट लिया या कुछ ऐसे काम कर लिए और समझा कि हमें ही मोहब्बत है, नहीं, मोहब्बत ये होती है किसी से कि उसकी बात माननी चाहिए, माननी चाहिए। अब देखें ना, एक मुसलमान वो है जिसको गैर मुस्लिम से बैठे फ़र्क नहीं नज़र आता, और एक मुसलमान वो है दूर से नज़र आता है कि ये उम्मत मोहम्मद है, ये मोहम्मद ही है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, उनका पैरोकार है। नमाज हो ना, गैर मुस्लिम भी देखते हैं ना तो नमाज पढ़ने वाले को मुसलमान समझते हैं और नहीं पढ़ने वाले को मुसलमान नहीं समझ सकते वो। तो हमें अपने तर्ज अमल पे गौर करना है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर है, सुन्नत के मुताबिक है, वो मसनून आमाल करते हैं। हत्ता के करबला का मौका है, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, क्या दुआ करते हैं, तर्जुमा कर देता हूँ, वक़्त जो है मुख्तसर है, अल्लाह
मेरी हर मुसीबत में तुझी पर भरोसा है, हर मुसीबत में अल्लाह तेरे ऊपर भरोसा है, हर सख्ती में अल्लाह तू ही मेरा पुश्त बना है। कितनी ही मुसीबतें आईं, दिल कमज़ोर पड़ गया, तदबीर ने जवाब दे दिया, दोस्त बेवफाई करके दुश्मन ने खुशकियाँ मनाई, मगर अल्लाह मैं तुझसे ही इल्तिजा करता हूँ, तूने ही मेरी दस्तगीरी की है, तू ही मेरी हर नेमत का मालिक है, तू ही एहसान करने वाला है। अल्लाह आज भी मैं तुझसे ही इल्तिजा करता हूँ। और इससे सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का अकीदा भी वाज़ेह होता है कि वो अल्लाह से ही इल्तिजा करते हैं, किसी और की तरफ नहीं जाते, मांगते हैं, मुश्किल में मदद मांगते हैं, अल्लाह से ही मांगते हैं। अभी कुछ लोगों को देखा ना हमने कोरोना से पहले, वो क्या करते हैं, कहते हैं फलां से मदद मांगो, बाकायदा तो ये वीडियो में भी मौजूद है ना, लोगों ने क्या किया, दोनों वीडियो काट दी, पहली में हजरत मांग रहे हैं ये गौसे आज़म से, और दूसरी में कोरोना आ गया है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत हमें क्या सिखाती है, मांगना है अल्लाह से मांगे, मुश्किल है, मुसीबत है, अल्लाह की तरफ रुजू करें। और प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने यही बात सिखाई, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का इसी पर अमल था। क्या फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने, लैस शैयुन अकरम अल्लाह तआला मिनत दुआ, अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई इज्जत वाली चीज़ नहीं है। बंदा जो अल्लाह से मांगता है ना, दुनिया वालों से मांगने जाए ना, तो वो उस बंदे को जलील समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। अल्लाह से मांगे तो अल्लाह मांगने वाला जो दुआ करता है, अल्लाह के यहाँ ये दुआ सबसे ज़्यादा इज्जत वाली चीज़ है। आप अलैहिस्सलाम के अल्फाज भी ज़रा गौर करें, लैस शैयुन अकरम अल्लाह तआला, कि अल्लाह के नज़दीक कोई भी चीज़ दुआ से बड़ी इज्जत वाली है ही नहीं है। सबसे बड़ी इज्जत वाली चीज़ अल्लाह के पास बंदा जो अल्लाह से मांगता है वो दुआ। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत हमें यही सिखाती है कि हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ये दुआ, उससे हमें ये बात भी समझ आती है, क्या कहते हैं कि भरोसा मेरा किस पे है, अल्लाह भरोसा मेरा तेरे ऊपर ही है, बंदों पे भरोसा नहीं है, दोस्त बेवफाई कर जाते हैं, साथ छोड़ जाते हैं। अल्लाह ने तो क़यामत के मंजर बयान किए ना कि सारे सब छोड़ जाएंगे, दुनिया में भी ऐसे मंजर आए, सभी साथ जाते हैं, अपनी सगी औलाद काम नहीं आती, साथ साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्लाह हर मौके पे अपने बंदे का साथ देता है, और असबाब भी अल्लाह ही मुहैया करता है। तो भरोसा किस में होना चाहिए, अल्लाह ताला पे। और कुरान भी यही अकीदा सिखाता है ना, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अलल्लाह फलयतवक्कलिल मुमिनून। अल्लाह ही वो है कि जो अकेला इबादत के लायक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोमिन भरोसा करते हैं तो अल्लाह पे ही भरोसा करते हैं। और दूसरे मकाम पे क्या इरशाद फरमाया, वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, भरोसा करो तो किस पे, उस पे भरोसा करो जो जिंदा है, अल हय्य ला यमूत, जिसको मौत नहीं आती, भरोसा उस पे करना चाहिए ना। और यही बात हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सिखा रहे हैं अपनी दुआ में, उनकी ज़िंदगी इसी चीज़ पे गुजरी है कि भरोसा है तो अल्लाह पे भरोसा करना है। ये चीज़ें वो हैं जिनको अपनाने की हमें ज़रूरत है। और जब हम अहादीस को आगे पहुंचाने के लिहाज से, प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम के फरामीन को पहराने के लिहाज से देखते हैं, तो हमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मिलते हैं, वो अपने वालिद से और दीगर अहादीस बयान करते हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर छः एक आयत। और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कितनी सारी अहादीस बयान करते हैं, और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ये सबको पता भी है कि याद दहानी के लिए सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे। और आप अलैहिस्सलाम ने भी यही हमें हुक्म दिया कि हमें सच बोलना चाहिए,
और प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम से जो बातें हजरत हुसैन ने सुनी वो आगे बयान की, और अगर अपने वालिद से सुन के बयान की तो वालिद का नाम लिया कि मैंने अपने वालिद अली रज़ी अल्लाह से सुना, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना। तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत हदीस में भी सच बोलते थे। आज हमारा अमल क्या है, जो सुनी सुनाई बात आगे करते, कोई पता ही नहीं ये सही है या नहीं है, पता ही नहीं वैसे। और नऊज़ु बिल्लाह, मैंने तो सवाल करते हैं ना लोग, कई पोस्टें ऐसी भेजी नीचे सही बुखारी और मुस्लिम का नाम, जब वो रिवायत देखी हर तरह से तलाश की, सही बुखारी सही मुस्लिम कहीं मिली नहीं। देखिए एक झूठ की एक हद होती, और आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मन कद्दब अलैय मुतअम्मिदन, जिसने जान बूझ के मुझ पे झूठ बोला, बांधा झूठ, क्या उसका, क्या उसका ठिकाना, उसका जो है वो नतीजा क्या होगा, फल ये तबव्वा मक़अदहू मिनन नार, अब उसका ठिकाना जहन्नम, अब उसकी सीट पक्की होगी जहन्नम में। कितनी सख्त वईद है और हम इस चीज़ का ख्याल नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे लोग तो हैं जो बात कोई आई ना तो, और तो कोई बंदा नहीं है उनके पास मौलवी, तो वो भेजने गया मैं, जो मौलवी वाकई में बस उसको भेज दिया। कई बार ऐसा हुआ, मैसेज आया, मैंने पूछा भाई आपने पढ़ा था इसमें, तो ये बात कहते पढ़े ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं क्या लिखा हुआ, बस आया तो भेज दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कुरान और हदीस अमल करने के लिए होता है ना, फॉरवर्ड करने के लिए तो नहीं होता ना, अमल करके आगे भेजना होता है, समझ के याद करके अमल करके फिर आगे बताने वाली बात होती है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहा करते थे, हम प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम से कुरान सीखते थे, कैसे, 10 आयतें सीखते, उनको याद भी करते, समझते भी, अमल भी करते, याद भी करते, समझते भी और अमल भी करते। और हमारी हालत ये होती है, ना समझना है ना अमल करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा काम कर दिया तो एक मैसेज आए आगे फॉरवर्ड कर दिया, एक पोस्ट आई शेयर कर दी, बस ये भी नहीं पता उसमें क्या लिखा है, सही है या गलत है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी शहादत के ऊपर मातम किया जाता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है और सबको पता है और यकीन है, सबका ईमान है, सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद है। और आप अलैहिस्सलाम के चचा हमजा आपकी ज़िंदगी में शहीद होते हैं, आपको दुख होता है। दीगर सहाबा, कितने सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं हदीस में कि सहाबा शहीद होते हैं, आप अलैहिस्सलाम से आंखों से आंसू, ये तो आपके नवासे थे और जुल्म भी और वो सब कुछ जो आप जानते हैं, लेकिन क्या इसके ऊपर मातम करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरह अल बकरा में आयत नंबर 154 में, वला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अल्लाह के रास्ते में कतल हो गए उसको मैयत ना कहो, उनको मुर्दा ना कहो, अल्लाह के यहाँ जिंदा है, तुम्हें नहीं पता उनकी जिंदगी का। और दूसरा मुकाम सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله اموات वला तहसबन الذين قتلوا بل أحياء عند ربهم يرزقون, वो जो अल्लाह के रास्ते में कतल कर दिए। ये उर्दू में जब ना कतल का लफ्ज़ बोलते हैं तो वो और मामला होता है, कोई भी मकतूल है कहीं भी किसी ने किसी को मार दिया। अरबी में उम्मन जो शहीद हो, जिसके लिए लफ्ज़ हम शहीद इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कतील का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वही लफ्ज़ है कि जिनको अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया गया, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं, उनको अमवात मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है और रब के यहाँ उनको रिज़क दिया जाता है। अब यहाँ पर एक मसला थोड़ा मौजू से हट के भी है, लेकिन बात आई है तो समझना ज़रूरी है।
कि जो शहीद है वो जिंदा है, तो फिर नबी वो भी जिंदा है। कई लोग कहते हैं ना शहीद हैं, आप कहते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए वो जिंदा है, तो नबी भी जिंदा है। तो जब दुनिया से कोई चला गया तो उसकी दुनिया से जाने के बाद की जिंदगी कैसी होगी ये नहीं पता किसी, जितना अल्लाह ने बताया उतना। दो मुकाम है ना कुरान मजीद में शुहदा के बारे में, पहले मुकाम पे अल्लाह ने क्या फरमाया कि वो अल्लाह की जिंदगी दुनिया से जाने के बाद की जिंदगी बरज़खी जिंदगी ये शुहदा से बेहतर है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है वो आलम बरज़ख में है। अब कोई ये कहे कि शहीद जिंदा होते हैं तो नबी भी जिंदा है, बल्कि आज तो एक साहिब ने यहाँ तक सवाल किया हुआ था कि कहते हैं हमारे अमल पेश किए जाते हैं, आप अलैहिस्सलाम कब्र में हैं और हमारे अमल आप अलैहिस्सलाम को पेश किए जाते हैं। हमारा ये अकीदा है कि शहदा की ज़िंदगी कैसी है अल्लाह को पता है, हमें दुनिया से वो जा चुके हैं और अम्बिया शहदा से अफजल हैं। शहदा के बारे में अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल होते हैं अल्लाह ने उनके बारे में प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया कि उनको ज़रा भर भी सुई चुभने चुभने जितनी भी तकलीफ नहीं होती। अम्बिया की दुनिया से जाने का मामला है, उनकी मौत है और मौत के बाद की ज़िंदगी है, ये शहदा से भी अफजल। एक बात सिर्फ अगर जहन में रख लें, मौत शुरू कहाँ से होती है, जब फरिश्ता आता है। अब कोई भी मोमिन है फरिश्ता आता है उसके वक्त पे रूह कब्ज़ कर लेता है, ये सबको पता है, लेकिन नबियों की मौत कैसे होती है, आप अलैहिस्सलाम को जब जो है मलिकुल मौत आता है तो कैसे आता है, दरवाज़ा खटखटाता इजाज़त लेके, आपके वक्त आ गया है आप जाना चाहते हैं ये दुनिया में रहना चाहते हैं, पता है ना आपको सब कुछ। तो ये मुकाम और मर्तबा इस जो है इस बात को लोग गौर नहीं करते, बल्कि वो और बातों की तरफ लेके जाते चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि आप अलैहिस्सलाम या नबियों के बारे में ये कहना कि वो दुनिया से चले गए हैं या फौत हो गए हैं तो ये उनकी जो है वो उनकी अजमत के मुनाफी है, हालांकि बात ऐसे नहीं है। उनका मुकाम और मर्तबा ये है कि दुनिया से गए हैं, मलिकुल मौत किसी के पास इजाज़त लेके नहीं आता, लेकिन उनसे पूछ क्या। और अगर शहीद की मौत और मोमिन की मौत ये एक अलग मौजू है, इस पर हमारा बयान पहले भी हुआ है, मौजूद है हमारे फेसबुक पर। अगर उनकी मौत का मंजर ये है कि फरिश्ते आके तहद्द निगाह मोमिन की जो है रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, बैठ जाते हैं जन्नत से उसके लिए लिबास लेके आते हैं, सातों आसमानों पर प्रोटोकॉल मिलता है, तो नबी का मुकाम और मर्तबा क्या होगा। तो बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि शहीद तो जिंदा है और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जब ये अकीदा है कि वो शहीद हैं, तो फिर शहीद की दुनिया से जाने पे मातम क्यों है, इस चीज़ का गम अपनी जगह पे जो जुल्म हुआ जो ज़्यादती हुई। और वो लोग जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत में शरीक हैं, जो उस शहादत पे राज़ी हैं या जो उनके साथ जुल्म और सितम पे राज़ी हैं, वो सब लोग हमारी उनसे नफरत है, ऐलान बरात भी है और हमारे दिलों में उनके लिए नफरत है, उनसे हमारी किसी भी किस्म की कोई मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हमारी मोहब्बत तो उनसे है ना जिनसे अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हज़रत हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत का एक पहलू ये भी है कि उनकी ज़िंदगी अगर आप देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी में हज़रत अबू बकर से उनकी मोहब्बत मिलेगी, हज़रत उमर से मोहब्बत मिलेगी, हज़रत उस्मान से मोहब्बत मिलेगी, दीगर सहाबा से हज़रत हुसैन की सीरत देखेंगे तो वो मोहब्बत करने वाले हैं। और आज लोग तो उनका नाम लेके उन सहाबा को गालियाँ देते हैं। हज़रत हुसैन की शहादत कब हुई और उनकी शहादत से दसियों साल पहले जो सहाबा दुनिया से चले गए, नाम हज़रत हुसैन का लेके उनको गालियाँ दी जाती हैं। हज़रत उस्मान को देख लें, हज़रत उस्मान की शहादत का जब वाक़या हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हुक्म पे हज़रत हसन और हुसैन उनकी हिफाजत के लिए खड़े थे और उस मौके पे गालिबन हज़रत हसन जख्मी भी हुए थे। उनका आपस में मोहब्बत तो ये थी और आज लोग उनका नाम लेके, और फिर जहाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए तो उनके वालिद हज़रत अली भी तो शहीद हुए। लेकिन क्या करें कि आज के दौर में जो हुब्बे अली का नाम लेते हैं
हुब्बे हुसैन का नाम लेते हैं, उनकी जो है वो इब्तिदा कहानी की होती है हज़रत हुसैन को हज़रत अली से बढ़ा के। बाप हज़रत अली है ना, बेटे हज़रत हुसैन, हज़रत अली का मुकाम बड़ा है और हज़रत हुसैन का उनसे बड़ा, हज़रत हुसैन का मुकाम बहुत बड़ा है। हमने पहले इसलिए वो बयान कर दिया, जन्नत के नौजवानों के सरदार है, लेकिन हज़रत अली का मुकाम उनसे भी बड़ा है और शहीद तो हज़रत अली भी हुए हैं, तो अगर यहाँ पर मातम है तो वहाँ पर मातम क्यों नहीं है। वरन की बहुत सारे सवाल हैं, उस तरफ नहीं जा रहे, हम ये बात सिर्फ समझने जा रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह से मांगते थे, हमें किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से मांगना। हज़रत हुसैन मुश्किल आई, मुसीबत आई, अल्लाह से दुआ भी की, सब्र भी किया, नमाज भी अदा की, तो हमें ये काम करना चाहिए ना जो हज़रत हुसैन करते थे। वो दूसरों को खैर की तरफ बुलाते थे, आप अलैहिस्सलाम के पैगाम दूसरों तक पहुँचाते, तो हमें वो काम करने चाहिए। बजाय हम वो काम करने के, हम वो अपनी तरफ से एक पूरा दीन बना लिए गए, और वो काम जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ना उनसे पहले सहाबा में मौजूद थे, ना हज़रत हुसैन और उनकी औलाद में वो चीज़ें मौजूद थी जो आज हज़रत हुसैन से रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत और अहले बैत से मोहब्बत के नाम पे होता है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से हकीकी मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, और उनकी सीरत को अपनाते हुए उनके नक्शे कदम पे हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम दुनिया में मुसलमान परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमाए। बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला रोज़गार अता फरमाए। माली परेशानी है, अल्लाह वो दूर करें। घरेलू ख़ानदानी परेशानियाँ हैं, अल्लाह उनको दूर करें। आपस में नफरतें लड़ाइयाँ हैं, अल्लाह ताला मोहब्बतों में बदल दें। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा दें। औलाद अपने वालदैन की नाफरमान है, अल्लाह ताला उनको फर्माबरदार बना दें। वालदैन में कमी कोताही है, अल्लाह ताला उनको वैसा बना दें जैसा जो है वो अल्लाह ताला को पसंद आ रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में भी आसानी अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी अल्लाह आसानी अता फरमाए और आखिरत में भी आसानी अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाब अन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।